चीन और ताइवान के बीच तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा, खतरा मंडरा रहा, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो या तो ताइवान की सीमा में अपने लाखों विमानों को उड़ाने की गुस्ताखी कर रहा, तो कभी सीमा के बेहद करीब आकर दुस्साहस दिखा रहा। इस बेहद तनाव भरे माहौल के बीच जापान अब एक बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे कांप जाएंगी चीन की रूहें। दरअसल जापान के अखबार यूमे यूरी की एक रिपोर्ट की माने तो जापान चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के मकसद से 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज को 500 से 5500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इन मिसाइलों को जापान नैनसेई और क्यूमसु द्वीप पर तैनात किया जा सकता है। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि मिसाइलें तैनात कर जापान चीन को अपने रुख से वाकिफ कराना चाहता। जापान को आमतौर पर शांत देश माना जाता है। जापान के पास 300 समुद्री और 1900 लैंड बेस्ड मिसाइलें हैं। जापान ने कुछ साल पहले चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक खास मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया था। वैसे 2 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मुखिया नैन्सी ताइवान की यात्रा पर राजधानी ताइपे पहुंची थी। इसके बाद से ही ताइवान और चीन के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। चीन की सेनाएं खासी आक्रामक है और मिलिट्री डील में उनका ये अंदाज साफ नजर आ रहा। वैसे बजट के मामले में, क्षमता के मामले में, हथियारों की संख्या के मामले में जापान से आगे चीन जरूर हो, लेकिन जापान की टेक्टिकल और स्ट्रेटजिक तैयारियां चीन से काफी अच्छी और भरोसेमंद है। अब चलिए आपको बताते हैं टेक्टिकल तैयारियां और स्ट्रेटजिक तैयारियां किसे कहते हैं। दरअसल टेक्टिकल तैयारियां उसे कहते हैं जो किसी देश को युद्ध के कुछ घंटों में ही अच्छी खासी बढ़त दिला दे, जबकि स्ट्रेटजिक तैयारियां उसे कहते हैं जो किसी भी देश को लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता देती है। और आक्रामक हथियार जैसे लड़ाकू जहाज टेक्टिकल हथियारों की कैटेगरी में आते हैं, और हाथी जैसे भारी भरकम बम वर्षक हथियार स्ट्रेटजिक हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। जापान चाहे तो कुछ महीनों में ही अत्याधुनिक हथियार बनाकर उनका जखीरा भी तैयार कर सकता है, जबकि चीन को काफी वक्त लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन अगर जापान पर हमला करेगा तो अमेरिका भी चीन पर अटैक करेगा, जिस वजह से किसी भी हाल में चीन को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में यह तय है कि जापान को युद्ध की धमकी देना चीन के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जापान से युद्ध करना चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। खैर, ताइवान चीन की वो कमजोर नस है जिसे अमेरिका और भारत के बाद अब जापान भी लगातार दबा रहा। अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा और भारत ताइवान को मंच। ऐसे में कल तक जो चीन दूसरों की जमीन पर कब्जा करता था, उसके नाक के नीचे से ताइवान का फिसलना उसे बेचैन कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।